आज के दिन साल 1909 में हिंदी फिल्मों के महान फिल्म निर्देशक बिमल रॉय का जन्म पूर्व बंगाल यानी बांग्लादेश में हुआ था। एक जमींदार परिवार में जन्मे बिमल ने अपने करियर की शुरुआत कोलकाता के न्यू थिएटर स्टूडियो में एक कैमरामैन के रूप में की थी। बिमल सन 1935 में केएल सहगल की फिल्म देवदास के सहायक निर्देशक थे। सिनेमा तकनीक पर उनकी मजबूत पकड़ थी, जिससे उनकी फिल्में दर्शकों को प्रभावित करती हैं और दर्शकों को अंत तक बांध कर रखने में सफल रहती हैं। फिल्म बैंगल फैमिन से उन्होंने बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की, पर सन 1953 में आई फिल्म दो बीघा जमीन ने पूरे विश्व के फिल्म जगत में एक अलग ही मुकाम दिलवाया। बिमल के निर्देशन में बनी फिल्में सुजाता, मधुमती, परिणीता, बिराज बहू और काबुलीवाला लोगों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब रही। 11 फिल्म फेयर अवार्ड और 6 राष्ट्रीय अवार्ड जीतना ही किसी फिल्म निर्देशक की प्रतिभा का परिचायक होता है, पर बिमल रॉय ऐसे निर्देशक थे मानो अवार्ड उनके लिए ही बने हो। साल 1949 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त हटाया गया। आरएसएस एक हिंदूवादी संगठन है जिसके सिद्धांत हिंदुत्व में निहित और आधारित हैं। इसकी शुरुआत सन 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी। बीबीसी के अनुसार संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। सन 1975 में जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई तो तत्कालीन जनसंघ पर भी संघ के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल हटने के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ और केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। इसके बाद धीरे धीरे इस संगठन का राजनीतिक महत्व बढ़ता गया और इसकी परिणति भाजपा जैसे राजनीतिक दल के रूप में हुई, जिसे आमतौर पर संघ की राजनीतिक शाखा के रूप में देखा जाता है। आज ही के दिन 1999 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार का निधन हुआ था। राजेंद्र कुमार ने फिल्मों में अभिनय करने के अलावा कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया था। फिल्म मदर इंडिया से राजेंद्र कुमार मशहूर हुए, जिसमें उन्होंने नरगिस के बेटे की भूमिका अदा की, और सन 1959 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई की सफलता के बाद उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता नाम कमाया। राजेंद्र कुमार की हर फिल्म इतनी हिट होती थी कि कई सालों तक बेहतरीन बिजनेस किया करती थी और यही वजह थी कि लोग उन्हें जुबली कुमार के नाम से पुकारते थे। अपने रोमांटिक व्यक्तित्व की उन्होंने सिनेमा जगत में ऐसी छटा बिखेरी कि उनकी फिल्में यादगार बन गई। फिल्म आरजू हो या आई मिलन की बेला, हर फिल्म में राजेंद्र कुमार का एक अलग ही अंदाज दर्शकों ने देखा। उनके दौर की फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए राजेंद्र कुमार भी उतने ही बड़े ट्रेजेडी किंग थे जितने बड़े ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को माना जाता है। 2012 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध भारतीय पहलवान और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह का निधन हुआ था। सन 1959 में किंग कॉन्ग, जॉर्ज गॉर्डियंको और जॉन डिसिल्वा जैसे धुरंधरों को कुश्ती में हरा कर उन्होंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जीती और 1968 में विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। टीवी कार्यक्रम रामायण के हनुमान का पात्र हो या फिल्म जब वी मेट का किरदार, उनकी अदायगी यादगार रही। वतन से दूर, दादा, रुस्तमे बगदाद, शेरदिल, सिकंदर ए आजम और राका उनकी यादगार फिल्में हैं। 150 के करीब फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में काम करने वाले दारा सिंह की पहली फिल्म थी संग दिल। उन्होंने अभिनेत्रियों में सबसे ज्यादा करीब 16 फिल्में मुमताज के साथ की थी और बाद में उन्होंने फिल्म निर्माण और फिल्म लेखन में भी कदम रखा। मोहाली में दारा सिंह के नाम पर दारा स्टूडियो है, जहां शूटिंग के लिए कैमरे से लेकर सभी दूसरे इंतजाम हैं। 2003 से अगस्त 2009 तक पूरे 6 वर्ष राज्यसभा के सांसद भी रहे। सन 1966 में दारा सिंह को रुस्तम ए पंजाब और सन 1978 में रुस्तम ए हिंद के खिताब से नवाजा गया। आज ही के दिन 2013 में हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक, खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण का निधन हुआ था। प्राण ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। कश्मीर की कली, खानदान, औरत, बड़ी बहन, जिस देश में गंगा बहती है, हाफ टिकट, उपकार,
पूरब और पश्चिम और डॉन जैसी फिल्मों में प्राण ने अपनी भूमिका से लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। विलन की भूमिका निभाते निभाते एक ऐसा वक्त आया जब लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना छोड़ दिया। लोग उनके नाम से नफरत करने लगे। उसी दौरान उपकार फिल्म में भूमिका निभाकर प्राण हर दिल अजीज बन गए। उनकी इस भूमिका ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए और वे रातों रात विलन से चरित्र अभिनेता बन गए। उन्होंने 1967, 1969 और 1972 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार और 1997 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। सन 2000 में प्राण को स्टारडस्ट द्वारा मिलेनियम के खलनायक द्वारा पुरस्कृत किया गया। भारतीय सिनेमा में उनके अद्भुत योगदान के लिए सन 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और सन 2013 में दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया।